बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो अभी ये जो व्लॉग है ये भी थोड़ा सा पुराना है। मैंने सारे पुराने व्लॉग्स इकट्ठे करके रखे हैं। मैंने कहा सबको पहले वो दिखाऊंगी, फिर नए व्लॉग्स जो है वो अपलोड करूंगी। तो यहाँ पे मैं बाहर आई बैल्कनी में, मुझे अंदर ना ऐसे गर्मी गर्मी लग रही थी, तो मैं थोड़ी हवा लगवाने आई। तो बाहर मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था, लाइट्स जो है ना बड़ी प्यारी लग रही थी, तो मैंने कि सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो दूर से बनाने की कोशिश की लेकिन वहाँ की नज़र नहीं आ रही थी, तो ये बड़ी प्यारी लग रही थी जो कलरफुल सी है ना। तो यहाँ पर भी ये सामने वाली बिल्डिंग है, उन्होंने इतना कुछ नहीं डेकोरेशन की हुई, बस दो ही घरों ने लगाई हुई लाइट्स, तो बस मुझे अच्छी लगी तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। और जो है वो क्या कहते हैं, फिर बच्चों को उसके बाद, ये क्रिसमस से कुछ दिन पहले क्या है, तो उसके बाद फिर बच्चों को छुट्टियाँ हो गई थी, तो ये स्कूल के लिए मैं अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, लंच बॉक्स के लिए, अर्सल के लिए मैं बना रही थी पराठा। आलू जो है वो मैंने लिए हैं थोड़े से, उनमें सिर्फ सॉल्ट है क्योंकि बच्चे स्पाइसी नहीं खाते, तो उसके ऊपर फिर मैंने थोड़ी सी मोजरेला चीज़ डाल दी। मैंने को थोड़ा अच्छा ज़रा टेस्ट हो जाएगा क्योंकि सिर्फ जो पोटैटो थे उनमें सिर्फ सॉल्ट ही डाला था मैंने। तो साथ ही मैंने पराठा जो है वो अर्सल के लिए बना लिया। तो वो मेरा पहले मूड था कि उसके पेड़ के, एक पेड़ के अंदर ही ना डाल दूँ सारा कुछ, लेकिन फिर मैंने ऊपर डबल कर दिया तो वो ना थोड़ा सा वो हो गया, रोल नहीं हो रहा था। मेरा दिल था उसको ना रोल करके दूँ, फिर मैंने उसको पिज़्ज़े की तरह जो है ना वो कट कर दिया और दो तीन स्लाइस फिर उसको अर्सल को रख दिए थे। तो साथ जो छोटे मोटे से और स्नैक्स थे, थोड़े से चिप्स रख दिए थे और पानी था। तो बस अर्सल का जो है वो जाइनो मैंने रेडी कर दिया है, और उसके बाद फिर मैं रेडी करके फिर मैं अर्सल को उठाती हूँ। तो अर्सल जो है वो मूड उसका ख़राब ही होता है। तो जी बस मेरे बच्चे दोनों जने सुबह बहुत नखरे करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब उठने में भी, और फिर इनको 1700 मुझे ड्रामे करने पड़ते हैं, फिर इनके साथ बच्चा बनना पड़ता है मुझे, फिर कहीं जाके थोड़ा सा जो है ना जाने के लिए तैयार होता है। और अभी बस मैं थोड़ी सी चीज़ें जो है वो रख लूँगी साइड पर क्योंकि 5-10 मिनट थे बस के आने में, तो बस आती है तो चली जाती है, लेकिन अर्सल मिस्टर जो है वो बस पे नहीं जाते, तो पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम होती है। तो अभी मैं इसको ना छोड़ने जा रही हूँ स्कूल, बस आती है डेली आती है, मैं इसको लेके खड़ी भी होती हूँ बस की टाइमिंग पे, लेकिन जो है वो कहता है मैंने नहीं बस पे बैठना। फिर उसके बाद अर्सल को छोड़ के मैंने कहा अब निकली हुई हूँ, तो मैं सी से जो है कुछ चीज़ें चाहिए थी, सी स्टोर है जो, तो अरीशा जल्दी चली जाती है, उसको तो खैर पापा ही छोड़ के आते हैं छोड़ के उधर से ही, तो वो सीधे फिर अपने जॉब पे चले जाते हैं। तो अर्सल की जो मैंने ऑनलाइन सारा कुछ जो स्कूल की शॉपिंग थी ना वो मैंने ऑनलाइन ही की थी दोनों की, तो मैंने ऑनलाइन अर्सल की वाटर बॉटल और सारा कुछ टिफ़िन वगैरह जो है वो मंगवाया था, लेकिन जो वाटर बॉटल ना उसमें से इतनी कोई गंदी प्लास्टिक की स्मेल आती है ना, जैसे पाकिस्तान में सस्ता प्लास्टिक नहीं होता वैसे, उसमें से ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब पानी पीने का दिल नहीं करता उसमें से, तो इतनी गंदी स्मेल आती है। फिर मैंने जो है ये वे चार वाली पैक वाली बोतल ले आई थी वाटर बॉटल्स, तो मैंने कहा अभी दूँ क्योंकि फिर 3-4 दिन तक वीकेंड आ जाना था, तो मैंने कहा चलो फिर स्टोर से ना कोई और इसके लिए देख लूँगी मैं वाटर बॉटल। फिर जो है वो बहुत सख्त मुझे भूख लग रही थी, उसके बाद फिर मैंने अपने लिए पराठा बनाया और साथ मैंने अचार और चाय ली। तो हस्बैंड और गए हुए थे बच्चे स्कूल, मैं घर में अकेली थी, पराठा भी इतना दिल नहीं जा रहा था खाने को, थोड़ा सा खाया तो आधा खाया आधा मैंने रख दिया। तो उसके बाद फिर थोड़ी सी सफाई वगैरह की क्योंकि फिर जब बच्चे आ जाते हैं ना स्कूल से तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, आके फिर इतनी अफरा तफरी हो जाती है ना फिर मुझे, क्योंकि उसके बाद अर्सल को लेने भी जाना होता है। तो पिछले दिनों अर्सल को जल्दी जो है वो मायस्तरा कह रही थी कि जल्दी इसको ले जाया करें, मतलब 11:30 या 11 बजे के करीब, तो फिर मैं ही इसको ना लेने भी जाती थी, तो मेरे तकरीबन 4 चक्कर लग जाते थे और हालत हो जाती थी मेरी, मतलब बच्चों को और हस्बैंड को खाना वगैरह देके, फिर मैं कहती थी बस अब मुझे कोई ना छेड़े, मुझे लेटने दो थोड़ी देर, मेरी कमर सीधी हो। तो अभी अर्सल को लेके बाहर में वेट करी थी, 5-10 मिनट थे अभी 11 बजने में, तो मैं अर्सल को लेके फिर मैं आ गई हूँ। तो पासी जी ने लेके गई थी मैं, लेकिन पासी जी ने चलाना जो है ना वो चढ़ाई पे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर जो है मौसम एकदम से बदल गया, काले गहरे बादल आ गए और अब तो वैसे भी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो अभी मौसम जो है वो काफ़ी बदल गया था।
तो बारिश जब होती है तो फिर और ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो मैंने स्लो स्लो जाना होता तो मुझे तकरीबन आई थिंक 14-15 मिनट तो लग ही जाते हैं स्कूल जाते हुए आते हुए, मतलब टोटल आधा घंटा लग जाता है। और आते आते फिर भूख लग जाती है, और मैं पराठा भी थोड़ा सा ही खाया था। तो ये रात को पिज़्ज़ा बनाया था, तो अरसल ने ऊपर से चीज़ उतार उतार के ना वो खाई हुई है। और मैं भी अपना पूरा तकरीबन बनाती हूँ, मतलब 3 पिज़्ज़ा बनाते हैं, एक हस्बैंड का छोटा उनका होता है, फिर एक मेरा होता है, उसमें से मैं थोड़ा बड़ा बनाती हूँ क्योंकि मुझे ना फिर अगले दिन भी खाना होता है। तो अभी 2 स्लाइस रात के बचे पड़े थे, इसको गर्म किया, और साथ मैंने लिए मिचेल्स की चिली गार्लिक सॉस, और बहुत ही मज़े वाली है ये मिचेल्स की, आपको दिखाऊंगी किसी दिन। तो फिर उसके बाद जो है वो बच्चे आए, हस्बैंड आए, फिर सारे खाना वगैरह खा के और बच्चे और अब सो गए हम। तो फिर बच्चे सो रहे थे, तो फिर उसके बाद मैंने निकाली है यहाँ पे स्पिनिश निकाली, आज मैं आलू पालक का सालन बनाऊंगी। फ्रीज ही मैं लेके आती हूँ क्योंकि जो फ्रेश आलू अगर पालक मैं ले आऊँ ना तो वो फिर मुझे ना उसी दिन ही, मतलब 1-2 दिन के अंदर अंदर ना पकानी पड़ती है, वरना वो ना ख़राब हो जाती है और उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, चाहे फ्रिज में रखो। तो यहाँ पे मैंने आलू अलहदा कर दिए थे, मैं इनको निकालने लगी थी बाहर, मुझे लग रहा था कि ना ये ज़्यादा ना गल जाए, फिर क्या कि पालक जल्दी गल गई, तो फिर मैंने इनको अलहदा किया हुआ था पहले, फिर मिक्स करते इसके अंदर ही, पहले मैं निकालने लगी थी बाहर। मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर मेरे जो हंडिया में आलू है ना वो ज़्यादा मुझे चांसेस हो ना कि गलने वाले हैं, तो फिर मैं उनको ना निकाल लेती हूँ, सेपरेट कर लेती हूँ, तो जो बाकी गोभी या जो भी कुछ मैं पकाती हूँ उनको फिर जो है अलहदा थोड़ी देर और कुक करती हूँ, तो फिर आलू बाद में मिक्स कर देती हूँ। तो अभी बच्चे ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का दिए, वो अपना नाश्ता कर रहे हैं, और मैं साथ अपने लिए फिर पराठा बना रही हूँ क्योंकि पालक थी तो मेरा दिल चाह रहा था, पहले मैं कह रही थी कि इसी में लगा लूँ, फिर मैंने इसको खाना था मीठे दही के साथ भी, तो मैंने कहा नहीं ये लदे बनाती हूँ, फिर मीठे दही के साथ ना मज़ा नहीं आएगा अगर अंदर पालक लगी हुई हो, तो थोड़ा सा फिर मैंने पालक के साथ खाया, और थोड़ा मैंने दही में योगर्ट में चीनी डाल के ना तो वो खाया था, मुझे बहुत पसंद है चीनी वाला दही और साथ में पराठा, बड़ा मज़ा आता है। तो बस पराठे को मैं अच्छे से क्रिस्पी करके खाती हूँ क्योंकि मुझे क्रिस्पी पराठा बहुत पसंद है, और जब मेरा पराठा क्रिस्पी ना हो ना तो वो फिर मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं उसको खाऊं, क्योंकि वो ऐसे लगता है कि रोटी खा रहे हैं, तो जो है इसलिए मैं उसको ना थोड़ा पहले तो ज़रा मीडियम हीट पे उसको पकाती हूँ, फिर थोड़ा सा ना स्लो कर देती हूँ ताकि वो ना पकता रहे, फिर उसमें ना बहुत अच्छी क्रिस्पीनेस जो है ना वो आ जाती है पराठे के अंदर। अभी मैंने फ्रिज में से निकाला है रात वाला सालन, और अभी मैं थोड़ा सा ये लूँगी और साथ में योगर्ट और चाय, और मैं करूँगी अपना नाश्ता। बच्चों ने तो एग खा लिए थे, तो अरसल ने भी नहीं खाया, तो मैंने ही फिर खाया था आधा योगर्ट के साथ और आधा जो है वो मैंने पालक के साथ खाया था। तो नाश्ता करके अभी मैं पी रही हूँ चाय, तो ये मुझे लगता है वीकेंड का व्लॉग है, इसलिए बच्चे घर हैं नाश्ते के टाइम पे, क्योंकि वीडियोस जो है वो मैंने पहले बनाई तो मुझे याद नहीं कौन सा दिन था तो अभी मुझे लगता है वीकेंड ही था, तो इसलिए बच्चे घर ही थे, तो अभी क्योंकि ये पुराना है तो अभी क्रिसमस की छुट्टियाँ नहीं हुई थी, तो फिर उसके बाद जो है बच्चे चले गए थे बाहर पापा के साथ, पार्क में गए थे, धूप निकली हुई थी तो पार्क में चले गए थे बच्चे, और मैंने पीछे से कर ली सफाई सारी और सफाई वगैरह करके, तो जो है क्योंकि जब बच्चे घर होते हैं ना तो मेरे से सफाई होती नहीं, मैं इधर से सफाई करती हूँ, पीछे जब मुड़ के देखो पीछे उन्होंने फिर खिलाड़े डाले होते, तो फिर मैं इसलिए जो है ना कोशिश ये करती हूँ या तो जब वो स्कूल होते तब सफाई कर लेती हूँ, या फिर जो है वो कभी जब वीकेंड पे कभी बाहर जाते तो फिर सफाई करती हूँ, तो जो है वो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन से लेके आई थी शूज़ वगैरह। तो ये मैं लेके आई थी अरसल के लिए, ये लिए थे हमने स्पाइडरमैन वाले,
ये उसको पसंद थे स्पाइडर मैन, तो उसने वही लिए। अलीशा ने भी अपनी पसंद से लिए थे शूज़ ये, और एक उसको चाहिए था जो जॉगर टाइप होता है ना स्नीकर्स, वो चाहिए थे पलिस्त्रा होता है जो एक्सरसाइज मुझे लगता है करवाते हैं। तो वो होता है उनके स्कूल में वेनसडे को, तो उसके लिए फिर इनको जो है वो अलहदा से शूज़ साथ देने पड़ते हैं वहाँ पे चेंज करके, वो तो फिर वो करवाते हैं जो भी एक्सरसाइज वगैरह इन्हें करवानी हो। तो ये मैं अपने लिए लेके आई थी चप्पल जो है घर में पहनने वाली, सॉक्स से हैं, और इसमें अगर आपने सॉक्स ना भी पहने हो ना तो फिर भी पाँव जो है ना बड़े गर्म रहते हैं मज़े वाले। तो ये एक शूज़ अपने लिए लेके आई थी मैं, ये वाले बड़ी मुश्किल से पसंद आए मुझे, मुझे ना ऐसे पसंद ही नहीं है। अगर बाहर मतलब जीन्स पे या टाइट्स पे पहनो उस पर अच्छे लगते, लेकिन अगर कहीं कुर्ता वगैरह पहन के नीचे पजामा पहनो तो उस टाइट्स पहनी हो तो उसके नीचे तो मुझे ज़रा नहीं अच्छा लगता। तो हस्बैंड को पसंद था कि ऐसे लो तुम ना शूज़, तो मुझे जो है वो दूसरे टाइप के पसंद आते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा चलो यही ले लेती हूँ कोई बात नहीं। तो ये अलीशा के लिए लिए थे स्कूल के लिए जो पलस्तरा होता है उसके लिए लिए थे अलहदा से। तो पहले उसके पास एक थे लेकिन वो ना छोटे हो गए थे उसको, तो वो कहते थे कि मामा मेरे है तो बिल्कुल नए थे, कुछ अर्सा पहले ही लिए थे। तो ये जो है वो थोड़े बहुत बच गई थी शर्ट्स जो मैंने रखी थी, बाकी दोनों ने वो पहनते रहे साथ साथ जो है। तो ये मैंने अपनी अपने लिए सॉक्स ली थी, और ये बच्चों की है एयरसेल की है सॉक्स, इतनी मतलब हर चक्कर में सॉक्स लेके आते हैं लेकिन जो है ना बच्चे इधर उधर गुम कर देते हैं, ईशा तो संभाल के रखते। तो वीडियो हो रही है मेरी एंड, तो इसलिए मुझे वॉइस कट करनी पड़ रही है। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।